हेलो एवरी वन लेट सॉल्व टूडे इज डेली चैलेंज दैट इज़ सबरेज विथ के डिफरेंट इंटीजर्स तो इस प्रॉब्लम में हमको एक एरे दी है और एक इंटीजर के दिया है हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ़ इसमें जो गुड सबरेज हैं वो रिटर्न कर दो ठीक है गुड सबरेज़ की डिफिनेशन ये बोल रहे हैं कि गुड एरे एक ऐसी एरे है जिसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स इज एग्जैक्टली के ठीक है तो ये जो इंटीजर के दिया है इसके एग्जैक्टली इक्वल हो तो डिफरेंट इंटीजर बेसिकली यूनिक इंटीजर्स है ना जैसे अगर मैं इसमें बोलू के टू दिया है तो ये जो सबर है ठीक है इसके अंदर दो ही यूनिक इंटीजर्स है वन और टू तो दिस इज सेटिस्फाइंग आर कंडीशन सो दिस इज अ गुड सबर तो मुझे क्या करना है रिटर्न मुझे रिटर्न करना है काउंट ऑफ गुड सबर ऑफ दिस नम्स एरे सो लेट लेटस टेक दिस टेस्ट केस एंड अंडरस्टैंड अब देखो ये टेस्ट केस है है ना अभी यहाँ पर मार्क करते कि कौन कौन सी सबरेज हैं जिस जो ये जो बेसिकली गुड सबरेज होंगी राइट तो देखो पहली तो एक यही दिख रही है मुझे ठीक है के क्या है, टू तो दो डिफरेंट एंटीजर्स चलेंगे एक ये भी है है ना वन और टू ही है इसमें सिमिलरली एक ये भी हो सकती है और ये वाली तो देखी थी करेक्ट और फिर अगर तुम देखो ये वन टू थ्री वाली तो नहीं होगी ऑब्वियसली ठीक है ये टू थ्री वाली भी हो सकती है है ना और आ, अकेली ये वन टू ठीक है एक ये हो सकती है और एक तुम्हारी ये वाली हो सकती है कि टू वन टू है ना ये वाली हमने कंसिडर नहीं करी एक ये हो सकती है तो अब देखो इसके अलावा तो मुझे और कोई नहीं दिख रही है तो अगर इनको काउंट करें तो कितनी होगी एक तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो टोटल ऑफ सेवन सबरेज आउट ऑफ ऑल दी इन साइड ऑफ नम्स एरे आर गुड सबरेज तो हम ये सेवन रिटर्न कर देंगे ठीक है तो ये सेवन इसका आंसर हो गया ठीक है अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली पहला ही अप्रोच आता है हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स विच इज टू जनरेट ऑल दी सबरेज एंड चेक फॉर देम ठीक है तो सारी सबरेज जनरेट करने के लिए एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी है ना और मे बी तुम इसके अंदर जाके फिर देखो कि भाई हर सबरे के लिए क्या के यूनिक इंटीजर्स में हो रहे हैं या नहीं उसके लिए एक लूप तुम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो बट असेंशली अगर तुम देखो मोटा मोटा तो एनस्क्वा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी आएगी क्योंकि तुम सारी सबरेज जनरेट करोगे राइट तो इससे तो रिड्यूस नहीं होने वाली तो बेसिकली क्वेश्चन है हार्ड राइट क्वेश्चन हार्ड है तो एन स्क्वायर तो डेफिनेटली नहीं काम करेगा करेक्ट तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा तो अब जो अगला अप्रोच हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सब की और हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly के इंटीजर्स चाहिए ठीक है डिफरेंट इंटीजर्स तो एक ये कंडीशन बन रही है और एक सवेरे बन रही है तो पहले ही अप्रोच हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई हम स्लाइडिंग विंडो जैसा कुछ लगा सकते हैं यहाँ है ना स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर सकते हैं तो स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल साइज़ की होगी कि हाँ देखो ये वन है ठीक है वन से गए पहले तो विंडो बना दी वन टू पे चले गए ठीक है फिर अब वन टू पर गए तो अब हम आगे इसको एक्सटेंड करके देख लेंगे ठीक है ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे फिर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से है ना विंडो का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है तो लेफ्ट राइट पॉइंट ले लो ठीक है तो लेफ्ट वाला है और राइट right वाला है तो बेसिकली ऐसे विंडो बना बना के एक्सटेंड कर करके हम देखते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे नंबर ऑफ सबर बट इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम आएगी ठीक है स्लाइडिंग विंडो डेफिनेटली लगेगा बट थोड़ा मॉडिफाइड लगेगा ठीक है तो देखते क्या मॉडिफिकेशन होगा अब पहले मैं प्रॉब्लम इलेबोरेट करती हूँ कि स्लाइडिंग विंडो जो ट्रेडिशनल वे होता है स्लाइडिंग विंडो लगाने का वो यहाँ पे क्यों नहीं काम करेगा तो देखो ये बात सही है कि स्लाइडिंग विंडो लगेगी हम एल और आर पॉइंटर ले लेंगे ठीक है लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एंड वी विल ट्राई टू जनरेट दिस बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर कंसिडरिंग एग्जैक्टली के इंटीजर्स ठीक है कंडीशन फॉल्स होगी जब एक्जैक्टली exactly के नहीं रहेंगे उससे ज्यादा हो जाएंगे या उससे कम हो जाएंगे दिस इज द प्रॉब्लम ठीक है ऐसे यूजअली जो स्लाइडिंग विंडो होती है उसमें कंडीशन फॉल्स होती है तब हमें लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना होता है करेक्ट बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाला जो बेसिकली हम क्या कंसिडर कर रहे हैं ये पार्ट है लेस देन के ये पार्ट है इक्वल टू के ये पार्ट है ग्रेटर देन के ठीक है तो जो नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो होता है उसमें इनमें से कोई एक पार्ट नहीं होता है ठीक है या तो ये नहीं होगा या तो ये नहीं होगा इनमें से कोई कंडीशन होगी ठीक है वो तुमको कोई ये कंडीशन नहीं होगी और रेस्ट ऑफ द कंडीशंस के लिए तुम आराम से हाइट्रेट करके विंडो स्लाइड करके आंसर चेक कर सकते हो कंडीशन फॉल्स होते ही आगे लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है उसको बढ़ा के मतलब आगे से ट्रिम कर दो और बाकी जो इनर पार्ट वाले सबरेज है उनको कंसिडर कर लो बट यहाँ पर हमें क्या करना है एग्जैक्टली की इंटीजर चाहिए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मैं मान लो ये केस है ठीक है लेफ्ट राइट यहाँ पर है ठीक अब मान लो मैं राइट right को यहाँ पर लेकर गए ठीक अब प्रॉब्लम ये है कि मैं लेफ्ट को आगे बढ़ाऊँ कि राइट को आगे बढ़ाऊँ ठीक है अगर मान लो मैंने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया ठीक तो यहाँ जीरो इंडेक्स से होने वाली सारी सबरेज जो कि वैलिड हो सकता है क्योंकि अगर तुम देखो ये वन टू वन टू भी तो एक सवेरे है बट मैंने मान लो एल को बढ़ा दिया ठीक है एल पॉइंटर बढ़ गया तो मैं यहाँ से कंसिडर करने तो मेरी ये वाली सबरेज छूट गई ना वन टू वन टू वाली करेक्ट सिमिलरली अब मैं राइट right पॉइंटर अगर बढ़ाऊँगी लेफ्ट को यहीं रहने दो ठीक है लेफ्ट यहीं पर है अगर मैं राइट right पॉइंटर बढ़ाऊँगी ठीक तो बेसिकली मेरी ये वाली सबरेज़ रह जाएंगी तो अब इसको अगर तुम तो मॉडिफाई करोगे तुम कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई एक और वाइल लूप लगा देंगे अब दो वायर लूप से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये स्लाइडिंग विंडो जो हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम बिगो ऑफ एन में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगी और बन जाएंगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर ओनली क्योंकि यहाँ पे यही डिलेमा है ना कि लेफ्ट को बढ़ाएं कि राइट right को बढ़ाएं क्योंकि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए राइट right? तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो जो यूजली हम लगाते कि लेफ्ट पॉइंट लिया राइट right पॉइंट लिया और बढ़ा दिया मॉडिफाई कर लोगे वाइलू लूप एक और लगा दोगे मॉडिफाई हो जाएगा बट प्रॉब्लम यही आएगी कि वो फिर असेंशियली तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो रहा ही नहीं इट इट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच विद ऑलमोस्ट नो ऑप्टिमाइजेशन ठीक है कोई फ़ायदा नहीं होगा पे ऐसे स्लाइडिंग विंडो लगाने का सो आई होप ये दिस मेक्स सेंस टू यू है ना कि डिलेमा हो जाएगा भाई लेफ्ट बढ़ाएं कि राइट बढ़ाएं क्योंकि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें ठीक है तो यहाँ पर बेसिक मैथ्स लगती है ठीक है बेसिक मैथ क्या है दिस इज़ नॉट ईजी टू कम अप विथ बट लेटसी देखो अगर हमको कुछ क्वांटिटी चाहिए विच इज़ एग्जैक्ट के राइट तो अगर मैं एट मोस्ट के काउंट कर लूँ ठीक है और उससे अगर एट मोस्ट मैं के माइनस वन क्वान्टिटी हटा दूँ तो मुझे क्या एग्जैक्ट के मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा क्या के है टू तो मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्ट के चाहिए ठीक है मुझे सबरेस्ट चाहिए एग्जैक्ट के वाली तो एटमोस्ट के मैं ले लू ठीक है एटमोस्ट के का मतलब है कि मैं वो सारी सबरिस्काउंट कर लू जहां पर डिफरेंट इंटीजर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है ठीक तो बेसिकली अगर के टू है ठीक है के इस अगर के टू है इस केस को देखें तो मैं वो सारी सबर काउंट करूंगी जहां पे डिफरेंट इंटीजर्स की वैल्यू वन भी होगी और साथ में टू भी होगी ठीक फिर मैं के को यहाँ पे ना जैसे फोर ले लो है ना तो बड़ा इंटीजर है ज़्यादा समझ आएगा मान लो मैं एग्जैक्ट के चाहती हूँ विच इज़ फोर तो मैं वो सारी सवेरेज सा कैलकुलेट करूँगी जिसमें डिफरेंट इंटीजर्स वन भी हो सकते टू भी हो सकते थ्री भी हो सकते फोर भी हो सकते एट मोस्ट के हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो वन टू थ्री फोर ये सब आ जाएंगे फिर अगर मैं एटमोस्ट के माइनस वन कैलकुलेट करूँ तो के अगर फोर था तो के इज इक्वल टू थ्री अब इसके लिए मैं कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली मैं कंसिडर करूँगी वन वाली टू वाली और थ्री वाली ठीक है थ्री वन डिफरेंट इंटीजर्स टू डिफरेंट इंटीजर्स थ्री डिफरेंट इंटीजर्स ये सारी सबरेज मैं काउंट कर लूँगी तो अब मैंने यहाँ से काउंट करी ये सारी सबरेज वन टू थ्री डिफरेंट इंटीजर्स वाली यहाँ से कैलकुलेट करी वन टू थ्री फोर डिफरेंट इंटीजर्स वाली अब मैं जब एटमोस्ट के से एटमोस्ट के माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इस काउंट के अंदर मान लो ये कुछ एक्स है ये वाई है ये जेड है और ये टी है ठीक है एक्स है वाई है जेड है यहाँ मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी टी एग्जैक्ट के वाली राइट अब मैं क्या करूँगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज टी ओनली क्योंकि ये एक्स इससे कैंसिल ये वाई इससे कैंसिल ये जेड इससे कैंसिल बचा क्या टी विच इज इक्वल टू योर एग्जैक्ट की क्वान्टिटी सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस कि हम इटमोस्ट वाला लॉजिक क्यों लगा रहे हैं हम ठीक है सो दिस इज मैथ्स ओनली दिस इज बेसिक मैथ्स बट टू कम अप

कह रही थी कि भाई वाई लूप इधर लगा दो वो लगा दो मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए था एग्जैक्ट के चाहिए था अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लेस देन के ग्रेटर देन के मुझे ये दोनों ही क्वांटिटी नहीं चाहिए अब ये तो सॉल्व हो गई ठीक है अब मुझे सिर्फ ग्रेटर देन के नहीं चाहिए जब मैं एटमोस्ट कह रही हूँ तो आई ओनली डोंट वॉन्ट दिस ग्रेटर देन के नहीं होना चाहिए अगर ग्रेटर देन के हो गया तो लेफ्ट से ट्रिम कर दो और बाकी जो बची हुई सवरे से उनको काउंट कर लो ठीक है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अब जो स्लाइडिंग विंडो ये जो एटमोस्ट के के लिए मैं स्लाइडिंग विंडो लिखूंगी इट विल बी विलो ऑफ एन ओनली तो क्या हो जाएगा इसके लिए बिगो ऑफ एन हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए बिगो ऑफ एन हो गई सो दिस इज एसेंशियली ओनली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर पे हम नहीं जा रहे होंगे ना लेट मी शो यू अ ड्राई रन ठीक है एक बार ड्राई रन करके देखते फॉर दिस टेस्ट के नाउ लेट अस सी अब इसके लिए मैं पहले क्या कैलकुलेट करूँगी फॉर दिस आई विल फर्स्ट कैलकुलेट एट मोस्ट के ठीक है मुझे क्या कैलकुलेट करना? तो करना है एक तो एट मोस्ट के दैट इज एट मोस्ट टू माइनस करना है एट मोस्ट वन ठीक है तो फॉर दिस एट मोस्ट जो मैं स्लाइडिंग विंडो लगा रही हूँ मोस्ट के लिए इसके लिए मैं अलग से एक फंक्शन बना दूंगी ठीक है तो उसको कॉल करके हो जाएगा तो अभी देखते हैं ड्राई रन करते हैं ठीक है एट मोस्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे तो देखो स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे एट मोस्ट के लिए तो स्लाइडिंग विंडो जैसा हमें पता है एल एंड आर पॉइंटर्स विल बी फर्स्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे ठीक है मैंने क्या कहा मैं क्या करूँगी मैं अपनी विंडो को बढ़ाती जाऊँगी ठीक है मैं अपनी विंडो को बढ़ाती जाऊँगी और जो मेरी सारी सबरेज हैं उनका काउंट लेती जाऊँगी और जैसे ही मेरी कंडीशन ये हुई कि वाइल जो मान लो सी एन टी ठीक है नंबर ऑफ़ जो डिफरेंट इंटीजर्स है वो ग्रेटर देन के हो गए तो मैं क्या करूंगी मैं लेफ्ट से ट्रिम करना स्टार्ट कर दूंगी ठीक तो मैं एक लाइन में यहाँ पे छोड़ रही हूँ अभी एक और चीज़ मेरे को बतानी है ठीक है तो काउंट को मुझे वो करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दूंगी ठीक आफ्टर दिस वाई लुक जो वैलिड जो पोटेंशियल मेरी सबरेज होनी चाहिए वो सारी सबरेज मैं इंक्लूड कर लूंगी अपने आंसर में तो आई कैलकुलेट आंस इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ठीक है तो ये नंबर ऑफ सबरेज आ जाएंगी विद इन दैट विंडो ठीक है अब देखते हैं अब मैं वो बताती हूँ जो आ, कि ये जो काउंट है इसको हमें कैसे लेना है ठीक है तो यहाँ पे हमको बेसिकली काउंट चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगी मैं ले लूंगी मैप ठीक है तो मुझे चाहिए डिफरेंट इंटीजर्स राइट मैंने मैंने ले लिया मैप अब मैं क्या करूंगी मैप की साइज से देखूंगी मेरे पास कितने डिफरेंट इंटीजर्स हैं ठीक है जैसे अभी यहाँ पर है. तो मैं जो राइट पॉइंटर है ना उसकी हेल्प से सारी वैल्यूज मैप में डालती जाऊंगी तो अब करते हैं ठीक है थीके? तो ये जो सी एन टी है ना दिस विल एक्चुअली बी मैप डॉट साइज ठीक है ये ग्रेटर देन के हुआ तो हम लेफ्ट से ट्रिम करना स्टार्ट कर देंगे और साथ में जो लेफ्ट वाली वैल्यू है नम्स की ना उसको भी हम क्या कर देंगे विल डू माइनस माइनस है ना उसको रिड्यूस कर देंगे अब मान लो ये रिड्यूस होने के बाद जीरो गई तो उस वैल्यू को हम मैप से इरेज़ कर देंगे अब इरेज करनी पड़ेगी है ना क्योंकि अब वैल्यू है तुम्हारी जीरो मैप के अंदर उस इंटीजर के लिए लेकिन मैप का साइज़ क्या आएगा मैप का साइज़ तो जैसे मान लो तीन वैल्यूज़ थी ठीक है मैप के अंदर मान लो वन टू थ्री अब वन की फ्रीक्वेंसी हो गई जीरो तो जीरो का मतलब है वन तो आ ही नहीं रहा जिस सबर में तुम हो उसमें वन को कंसिडर नहीं कर रहे हो उसमें वन है ही नहीं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है लेकिन इस मैप का साइज़ क्या है थ्री ठीक है तो बेसिकली ये तो नहीं कंसिडर होना चाहिए ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें तो देखना पड़ेगा एक बस एक और कंडीशन ऐड करनी है कि भाई मैप में मान लो लेफ्ट प्लस प्लस करने से पहले मान लो कि जो आ, ये नम्स ऑफ लेफ्ट की फ्रीक्वेंसी थी ये हो गई ज़ीरो जीरो हो गई तो इरेज कर दो भाई इस वैल्यू को मैप से ठीक है अब आइट करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट पॉइंट लिया राइट पॉइंट लिया राइट पॉइंटर से हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे मैप के अंदर तो मैंने कहा कि वन के वन वन को हैश कर लो भाई ठीक है फ्रीक्वेंसी डल गई तो वन आ गया ठीक अब मैं क्या करूँगी अब मैं बढ़ाऊंगी अपने सॉरी अभी ये मेरी विंडो है ठीक है ये मेरी विंडो है तो ये कंडीशन है जब फॉल्स हो जाए ठीक है अगर फॉल्स नहीं है तो आंसर में इंक्लूड करो अपनी सबरे ठीक है जितनी सबरे हैं उनको काउंट करो तो आंस में अगर मैं देखूँ इस स्टेप पे क्या वैल्यू आएगी वन आएगी ठीक है क्योंकि आर भी जीरो पे है एल भी जीरो पे है तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन क्या है जीरो हो गया तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये भी लिखती हूँ कि कौन सी सबरे कंसिडर कर रहे हैं ठीक है अ लॉट ऑफ पीपल फेस प्रॉब्लम इन दिस कि ये काउंट कैसे कर रहे हैं भाई आई मेक इट क्लियर ठीक है आंस में आ गई वैल्यू वन तो सबरे कौन सी कंसिडर हुई सबरे कंसिडर हुई अकेले वन वाली ठीक है दिस इज़ पोटेंशियल सबरे क्योंकि एटमोस्ट टू का मतलब है एक डिफरेंट इन टीचर और दो डिफरेंट टीचर वाली सबर ठीक ठीक है आर को आगे बढ़ाओ राइट right पॉइंटर आगे बढ़ा यहाँ पर आ गया राइट पॉइंटर बड़ा आगे यहाँ आ गया तो बेसिकली जो विंडो है ये भी बढ़ गई ठीक है विंडो ये हो गई विंडो यहाँ पर आए तो एज ए सेट पहले राइट right को हैश करो ठीक है राइट वाले को हैश करो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एम पी ऑफ नम्स ऑफ राइट ठीक है प्लस प्लस ठीक है तो टू वैल्यू को मैंने हैश कर लिया वन आ गया ठीक है अभी अभी भी देखो जो मैप का साइज़ है दिस इज नॉट तो इस कंडीशन में हम आ ही नहीं रहे हैं तो हम फिर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे आंसर कैलकुलेट करेंगे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन सो so, अब ये वन है तो बेसिकली टू आ जाएगा ठीक है तो टू ऐड कर देंगे वन में ठीक है आंस में तो बेसिकली क्या आ गया थ्री आ गया अब यहाँ पे कौन सी सबरे कंसिडर हो रही हैं एक तो टू अकेला और एक वन कॉमर टू ये दो सबरे हमने यहाँ पर ऐड करी हैं ठीक है तो देखो जब भी हम देखो इससे क्या हो रहा है ये इससे हम क्या कर रहे हैं ठीक है हम जैसे यहाँ पर आए ठीक तो टू ऐड होने के बाद देखो वन तक की सारी सबरे मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ अब टू एलिमेंट एड होने के बाद हाउ मेनी एरेज विल आई गेट ठीक सवरेज जो पोटेंशियल होंगी टू एड करने के बाद गेट टू डिफरेंट सबरेज ठीक है विच इज टू अलोन एंड वन कॉमर टू ठीक है ये दोनों सवरेज कंसिडर होंगे तो बेसिकली अगर जैसे इस लेंथ को हम इसीलिए ऐड कर पा रहे हैं बेसिकली जितनी लेंथ होगी तो उस टू को उतनी ही सवरेज में अपेंड कर रहे हैं बेसिकली हम है ना तो दैट इज द रीजन की हम आंस इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन से कैलकुलेट कर पाते हैं ठीक ठीक है अब आगे बढ़ो भाई राइट right पॉइंटर को आगे बढ़ाया राइट right आगे बढ़ा यहाँ आ गया ठीक है इसको भी हैश करो तो वन की फ्रीक्वेंसी हो गई टू अब फिर से क्या हुआ हम इस कंडीशन में नहीं आए तो मैं क्या करूँगी फिर इधर जाऊँगी आंस में जितनी सबरे वन को यूज करके बन रही हैं वो सब ऐड कर दूंगी तो कितनी बनेंगी थ्री बनेंगी ऑब्वियसली ये टू इंडेक्स है जीरो इंडेक्स है टू माइनस जीरो प्लस वन तो थ्री ऐड करूँगी मैं थ्री में सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद आंसर में वाली आ गई सिक्स कौन सी सबरे ऐड करी मैंने तो मैंने ऐड करी अकेले वन वाली ठीक फिर वन को अगर मैं टू में अपेंड कर दूँ अकेले टू में तो ये वाली और अगर मैं पूरी ये ले लूँ वन टू वन ये वाली सबरे ठीक है तो ये मैंने ऐड कर दिया ऑल राइट right. अब आगे बढ़ूँ राइट पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आए तो टू में टू की फ्रिक्वेंसी हो गई टू अभी भी मैप का जो साइज़ है वो टू ही है तो बेसिकली इस कंडीशन में हमने एंटर ही नहीं किया एंटर नहीं किया आंस में फिर ऐड कर लो जाके यहाँ पे क्या ऐड करेंगे फोर सो so बेसिकली यहाँ पे ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई टेन ठीक तो कौन सी सबरेज थी जो हमने कंसिडर करी यहाँ यहाँ पर लिख रही हूँ ठीक है तो पहली तो अकेले ये टू अकेला ये टू आ गया फिर वन के बाद अगर मैं टू को अपेंड कर दूँ तो ये आ गया फिर अगर मैं टू वन इस सबरे के बाद टू को अपेंड करूँ तो क्या आएगा वन टू वन ठीक है

तो इस कंडीशन में हम जाएंगे ठीक है इस कंडीशन में हम गए तो हमें क्या करना है भाई अब हमें पता है लेफ़्ट से हमें ट्रिम करनी है वैल्यूज़ ठीक है लेफ्ट से ट्रिम करनी है तो लेफ़्ट पॉइंटर को भाई बढ़ाना आगे स्टार्ट कर दो तो लेफ़्ट पॉइंटर को बढ़ा के मैं यहाँ पर लेकर कर आई लेफ़्ट जैसे यहाँ आया तो अभी भी तुम देखो तो वन की फ्रीक्वेंसी यहाँ बस वन हो गई ठीक है टू थी वन हो गई तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू ही हो रही है कि भाई मैप का साइज़ अभी भी ग्रेटर देन के है मैप का साइज़ थ्री है अभी पर टू होना चाहिए तो फिर से लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाओ अभी वैलिड केस नहीं आया है यहाँ से हम कंसिडर नहीं करते कर सकते ठीक है तो लेफ्ट को फिर बढ़ाया फिर टू की फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज कर देंगे फिर टू की फ्रीक्वेंसी वन हो गई अरे अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही मैप का साइज अभी भी थ्री है तो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़े ठीक है तो इस वन को हटाओ वन यहाँ पे हो गया जीरो ठीक है वन जैसे ही ज़ीरो हुआ दैट मीन्स इसको यहाँ से इरेज कर दो ये सारी वैल्यूज हटा दो तुम कहाँ आप खड़े हो लेफ्ट पॉइंटर इज स्टैंडिंग की ठीक है लेफ्ट पॉइंटर इज हियर अब देखो अब मैप का साइज टू हो गया बेसिकली इस कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे बाहर आते ही हम ऐड कर देंगे आंसर के अंदर ठीक है तो आंसर के अंदर क्या ऐड करेंगे टू ऐड करेंगे क्योंकि ये आर है तो ये बेसिकली है फोर और ये क्या है थ्री तो फोर माइनस थ्री प्लस वन सो टू विल वी विल ऐड सो टन सी सबरेज ऐड करी एक तो अकेला थ्री एड किया और एक ऐड किया टू के बाद थ्री अगर मैंने अपेंड किया तो ये सो so बेसिकली ये दो सब सवेरेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी राइट right? तो ये हो गया ठीक है तो बेसिकली आइट्रेशन अब खत्म हो गया एल यहाँ आर खत्म ठीक आइट्रेशन खत्म हो गए तो अब आंस में मेरी फाइनल वैल्यू क्या आई ट्वेल्व तो एटमोस्ट ट्वेल्व के लिए आंसर क्या है ट्वेल्व ऑल राइट अब जाते हैं एटमोस्ट वन के लिए ठीक है एटमोस्ट के माइनस वन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आई विल टेक माई एरे अगेन अब देखो फिर से लेते हैं नम्स इज इक्वल टू वन टू वन टू एंड थ्री के इज इक्वल टू नाउ इज वन ठीक है के क्या है वन क्योंकि एटमोस्ट के माइनस वन के लिए मुझे कैलकुलेट करना है ठीक है फिर से मैप बना लो भाई फिर से क्या बना लो अपना मैप बना लो मैप बन गया ठीक है यहाँ पे हम कैलकुलेट करते रहेंगे आंसर और यहाँ पे हम सब एरेज भी देखते रहेंगे है ना कौन कौन सी कंसिडर कर रहे हैं एल एन आर आर वो थीर ठीक है एल एन आर अब रीड करना स्टार्ट करो तो पहले तुम देख सकते हो अभी कंडीशन फॉल्स नहीं है मैप के अंदर तुम हैश करो इस वैल्यू को ठीक है हैश करा तो वन के लिए वन फ्रीक्वेंसी आ गई तो के तुम्हारा वन है तो कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पे आंसर में ऐड कर लो वन आ गया ठीक है अब जैसे ही राइट right पॉइंटर को तुम राइट right पॉइंटर को तुम आगे लेके गए यहाँ पर राइट पॉइंटर यहाँ आया तो तुम इस वाइल के अंदर चले जाओगे क्योंकि मैप का साइज अब क्या हो जाएगा टू भी तो कंसिडर कर लिया टू हैश किया मैप का साइज क्या हो गया टू बट के वन है ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना है आगे लेफ्ट से ट्रिम करना है लेफ्ट से ट्रिम किया तो हमने क्या किया ये वन यहाँ पे लेफ्ट में वन था ठीक है इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी कम ठीक है जीरो हो गए अब जीरो होते मतलब इसको मैप से रेज कर दो मैप से इेज भी कर दिया अब लेफ्ट तुम्हारा यहाँ पर है लेफ्ट यहाँ है राइट भी यहाँ है तो अब क्या करो आंस में ऐड कर दो भाई तो फिर वन ऐड होगा तो टू आ गया देखो यहाँ बेसिकली वन अकेला सबरे कंसिडर हुआ इस केस में अकेला टू सबरे कंसिडर हुआ ठीक है इसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ भाई आगे बढ़ो राइट पॉइंटर को आगे लेके गए यहाँ जैसे ही आया राइट पॉइंटर वन को तुमने फिर से हैश कर दिया फिर टू हो गया तो बेसिकली ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई कि भाई के से ग्रेटर हो गया मैप का साइज़ तो क्या करना है हमको लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा के हम कहाँ ले आए यहाँ पर ले आए लेफ्ट पॉइंटर फिर यहाँ आ गया और यहाँ आया तो टू की फ्रीक्वेंसी तुमने कर दी होगी जीरो जीरो करने के बाद मतलब मैप से इेस करनी है वैल्यू फिर वैलिड केस आ गया तो फिर क्या कर लो ऐड कर लो भाई राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन विच इज़ अगेन वन तो अब क्या हो गया आंस में थ्री हो गया ठीक है थ्री आ गया कौन सी सबर है कंसिडर करी अकेले वन वाली ये वाली सबर है ठीक सिमिलरली कीप मूविंग कीप मूविंग ठीक है राइट right पॉइंटर को आके लेके जाओ राइट पॉइंटर आगे गया यहाँ पर आया राइट right पॉइंटर जैसे यहाँ आया फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि टू को तुमने हैश कर लिया टू को हैश किया मतलब इस वाइल के अंदर चले गए फिर से लेफ्ट से हटाना स्टार्ट कर दो भाई लेफ्ट से हटाना स्टार्ट करो तो ये वन की फ्रीक्वेंसी हो, हो जाएगी जीरो ठीक है तो इसको मैप से हटा दोगे मैप से हटा के लेफ्ट फिर से यहाँ आ गया लेफ्ट यहाँ आया तो क्या करो भाई ये वाली जो सबरेज हैं जितनी भी वो एड कर लो एक ही आएगी तो आंस में तुमने फोर कर दिया आंस फोर आ गया और कौन सी सबरे कंसिडर हुई अकेले टू वाली ठीक है देन कीप मूविंग कीप मूविंग योर राइट पॉइंटर जैसे ही मूव किया राइट पॉइंटर यहाँ आया फिर इस वैल्यू को तुमने हैश किया थ्री के लिए वन हो गई वैल्यू तो अब क्या करना है फिर से भाई लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ क्योंकि हम इस वाइल लूप में आ गए तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे तो टू की फ्रिक्वेंसी थी वन उसको कर दिया जीरो तो टू को मैप से ही रेस कर दिया ठीक और क्या किया लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया लेफ्ट पॉइंटर आ गया यहाँ जैसे लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आया वैलिड केस है आंसर में इंक्लूड कर लो आंसर में इंक्लूड करा तो क्या आ जाएगा फाइव एक ही है ना एक सवेरे ऐड करी तो ये एक सवेरे है जो ऐड करी है थ्री वाली ठीक है तो बेसिकली ये पाँच सवेरेज ऐड करी और अब हमारा इटरेशन हो गया कम्प्लीट तो इस केस के लिए एटमोस्ट के इज इक्वल टू वन के लिए आंसर क्या आया फाइव तो भाई यहाँ पर क्या गया फाइव अब देखो ट्वेल्व माइनस फाइव विल बी इक्वल टू एग्जैक्ट के तो के एग्जैक्ट के मतलब एग्जैक्ट टू डिफरेंट इंटीजर्स वाली सब रेस कितनी हो गई ट्वेल्व माइनस फाइव विच इज़ सेवन और वी ऑलरेडी सॉ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था सेवन आना चाहिए था तो असेंशियली इन वे गो ऑफ एन ओनली यूजिंग दिस एग्जैक्ट के लॉजिक ठीक है एटमोस्ट वाला लॉजिक लगा करके हमारा आंसर आ गया राइट सो आई होप कि अब क्लियर है सोल्यूशन क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ठीक है तो अब आई गेस कोड लिखना भी बहुत ईजी होगा बिकॉज कोड यही है पूरा की पूरा ठीक है बट स्टिल तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है एट मोस्ट के लिए लॉजिक बनाया ठीक है एरेली इंटीजर के लिया एक लेफ्ट पॉइंटर लिया आंस लिया काउंट की कोई जरूरत नहीं थी यूज भी नहीं किया मैंने बिकॉज यहाँ पे मैप लेना था ठीक है फिर मैंने मैप लिया एम फिर मैं राइट right पॉइंटर पढ़ा रही हूँ ठीक है राइट पॉइंटर हर बार ही इंक्रीमेंट कर रहे थे हम ठीक है सर इट वॉज फॉर ओनली दी लेफ्ट पॉइंटर की जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे हैश करो वैल्यू चेक करो मैप का साइज़ अगर के से बड़ा हो गया तो लेफ्ट से ट्रिम कर दो लेफ्ट से ट्रिम करो और अगर वैल्यू जीरो हो गई तो मैप से इरेज भी कर दो अभी बताए क्यों क्योंकि मैप का साइज़ से हम चेक कर रहे हैं ना अगर वैल्यू इसका फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो है और ये मैप के अंदर वैल्यू पड़ी है मे बी इट्स फ्रिक्वेंसी जीरो बट इट विल बी कंसिडर इन साइड ऑफ द मैप मैप का साइज गलत आंसर देगा बेसिकली ठीक है तो दैट इज वाई मैप से भी इरेज करो वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गए और जितनी भी पोटेंशियल सब है सबको ऐड कर लो so, ठीक है तो दिस इज फॉर एट मोस्ट के ठीक उसमें इंक्लूड हो रही है तुम्हारी वन डिफरेंट इंडीजर टू डिफरेंट इंडीजर फॉर द फर्स्ट टेस्ट इज आई टॉकिंग देन कैलकुलेट फॉर के माइनस वन ठीक है तो पहले कैलकुलेट किया के के लिए देखो यहाँ पे के पास किया है फिर यहाँ पे के माइनस वन पास किया है फिर वी हैव ऑलरेडी सीन इन द ट्राय रन इट विल गिव अस दी एग्जैक्ट के आंसर सो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर